लो जी, आज हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड सिंगर जन्नत जुबैर, जिनका हाल ही में गाना आया है बाबू सोना मोना, और इसी पर हम आज बात करेंगे इनसे। लेकिन सबसे पहले जन्नत, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया जन्नत। सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये रहेगा कि बतौर एक्ट्रेस तो लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, और बतौर सिंगर आपका एक गाना पहले हम सुन चुके हैं और दूसरा गाना काफी समय बाद आया है, तो जी कैसा रिएक्शन देखने का मिल रहा है फैंस की तरफ से? कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? तो सिंस इतने लंबे गैप के बाद आया है गाना, और इसलिए मैं ज्यादा नर्वस भी थी क्योंकि इतने गैप के बाद आ रहा है, लोग पता नहीं कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे। वो गाना आके काफी टाइम हो गया था, और ये जो गाना भी था वो काफी अलग था वो वाले से जो मैंने गाया था। अगर आपने इसका फर्स्ट लुक भी देखा होगा तो वो भी काफी अलग था, तो उसमें भी नर्वसनेस हो रही थी कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट तो होती है बट इक्वली उतनी नर्वसनेस भी होती है कि लोग उसे किस तरह से लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे या नहीं लेंगे। बट जी आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव गॉट, बिकॉज उनको इतना पसंद आया, फर्स्ट लोग उनको इतना पसंद आया, लिरिक्स गाना वो रिलेट कर रहे हैं गाने से, उनको लिरिक्स पसंद आ रहे हैं, और जी मैंने जैसे गाया है उन्हें वो भी पसंद आया, काफी ऑनेस्ट रिव्यूज दे रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, एंड आई एम ग्लैड। ओके। ये आपका दूसरा गाना है, एंड सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, सिंगिंग का आइडिया कब कैसे आया और क्यों ये रुझान जो है सिंगिंग की तरफ आया, एक्टिंग की तरफ से? और साथ ही इस गाने का जो टाइटल है, वो टाइटल, ये जो शब्द है तीनों बाबू सोना मोना, ये रिलेशनशिप में बहुत यूज किए जाते हैं, तो खासकर टाइटल पे कैसा रिएक्शन रहा है ऑडियंस का? तो जैसे आपने बोला कि ये जो तीनों वर्ड है ये यूज बहुत किए जाते हैं, बाबू सोना जी मोना, और ये गाने का हमने टाइटल रखा ही इसलिए बिकॉज ये इतना अलग साउंड कर रहे हैं। अगर आप पूरा गाना भी सुनेंगे तो उसमें से यही तीन वर्ड्स हैं जिनको सुन के आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा थोड़ा फनी भी है, थोड़ा अलग भी है, और कई जी सारे गाने होते हैं जिनके टाइटल्स काफी सिमिलर सिमिलर होते हैं, जी लेकिन ये जी टाइटल जी हमें काफी कैची लगा। और ये टाइटल का मतलब गाना पहले मतलब मैंने ऐसे कभी कोई सुना नहीं कि कैसे कोई गाना है, तो ये रीजन से हमने इसका ये टाइटल रखा। और जहां तक कि एक्टिंग से सिंगिंग तक आने की बात है, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू म्यूजिक एंड टू लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, तो कभी ऐसे गाने गाने का हमेशा से वो नहीं था, लेकिन हाँ मैं म्यूजिक के हमेशा और सॉन्ग्स के हमेशा से क्लोज रही हूँ। बट 3 साल पहले वही अगेन डैडी का ही थॉट था कि अब तुमने एक्टिंग कर ली है, और एक डांस का भी मैंने रियलिटी शो किया था व्हेन आई वाज वेरी यंग, और काफी सारी और भी चीजें चल रही हैं, सो इट वाज लाइक ट्राई सिंगिंग आल्सो, बिकॉज जब मैं गुनगुनाती थी या मैं गाती थी तो उनको आवाज अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा तुम गाना जी गा सकती हो, सो दैट्स हाउ पहला गाना निकला। और उसके बाद इतने बड़े सबैटिकल के बाद ये निकला है, बट फॉर श्योर अब इतना बड़ा सबैटिकल नहीं आएगा, नाउ विल जी ट्राई दैट हम कम कम समय में गाने निकाल। जी ओके। तो लिरिकल वीडियो तो आ गया, लेकिन कंप्लीट वीडियो पर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? सो कंप्लीट वीडियो पर अभी फिलहाल हमने प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि पहले हम ऑडियो आउट करते हैं, उसका रिस्पांस देखते हैं कैसा आएगा, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसका वीडियो करना है या नहीं करना है। बट लकीली हमारे पास काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, काफी लोगों को पसंद आया है, सो नाउ वी हैव टू सिट ऑन द वीडियो एंड वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, बट एज ऑफ जी नाउ अभी तक की कुछ हमने प्लानिंग नहीं करी हुई है। ओके। जनत, अगर बात करें आपकी फैमिली की, तो आपकी फैमिली ने कभी आपका दिल टूटने नहीं दिया होगा, इतना तो बहुत, मतलब मैं एकदम पक्के से कह सकती हूँ, इतनी प्यारी सी फैमिली है आपकी। तो ये जो दिल टूटने वाली जो फीलिंग है, ये आप कैसे एक्सप्रेस करती हैं, मतलब और कैसे इसको फील करती हैं जो गानों में निकल कर आती है? आपके गाने कुछ ऐसे ही रहे हैं, हालांकि इस वाले गाने में ऐसा रोना धोना नहीं है, लेकिन एक जवाब है, एक मोटिवेशन भी है कि भाई जाओ, है ना, कोई और मिल ही जाएगा। तो ये आप कैसे एक्सप्रेस कर पाती है वो इमोशन, दिल टूटने वाला? दिल टूटने वाला सी वो आई थिंक मुझे हेल्प करता है बिकॉज मैं एक्टिंग कर चुकी हूँ, तो वहां से इमोशंस लाने में आसानी हो जाती है, एंड ऑल आई कैन से इज दैट एक्टिंग में इमोशंस लाना, दिल टूटना या फिर आंसू लाना या फिर रोना आसान होता है, बिकॉज आपके पास इतनी ज्यादा
तरीके होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी आवाज होती है, आपके एक्सप्रेशन होते हैं, आंसू होते हैं, दिख ही जाता है। बट सिंगिंग में बहुत डिफिकल्ट है उसको दिखाना, या फिर आपकी आवाज के थ्रू वो दर्द को और वो इमोशंस को वो करना, तो वहां पे काफी डिफिकल्टी मुझे कई बार हुई है, स्पेशली मेरे पहले सॉन्ग में हुई थी, बिकॉज वो थोड़ा इमोशनल वाला गाना था, तो उसमें यस मुझे हाँ हर उसके बाद बोलना पड़ता था उन्हें कि थोड़े और इमोशन चाहिए, और इमोशन चाहिए। बट ये वाले में इतनी ओके डिफिकल्टी नहीं हुई, बिकॉज अगर आपने ये गाना सुना होगा तो इट्स लाइक ऑल आउट एंड इट्स अ वेरी कूल सॉन्ग, कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे नया मिल जाएगा। यस यस एक्चुअली तो लाइफ में कभी इमोशनल फेज रहा है, कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है, मतलब ऐसे बहुत ऑफन नहीं हुआ है कि हर दूसरे महीने वो इमोशनल फेज आ जाता है मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं हुआ है। बट जी हाँ ऐसे टाइम ऑब्वियसली होते हैं, जब आप बहुत लो फील करते हैं, जब आपको बहुत डिप्रेस सा फील हो जाता है, कभी कभी आप बाहर होते हैं आप होम सिक हो जाते हैं, कभी आप बहुत अगर बाहर होते हैं फैमिली से दूर होते हैं तो आपको फैमिली की याद आ जाती है, आप वो मोमेंट्स मिस करते हैं। तो काफी सारी ऐसे टाइम्स रहे हैं जहाँ पर मैंने लो फील किया है, बहुत इमोशनल फील किया है, काफी एक एक दिन में कई बार मूड स्विंग्स हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं जी लगा है, क्राइंग हुई हूँ, बट आई थिंक दे जस्ट फ्यू डेज एंड दे पास। ओके जनत, आपको खतरों के खिलाड़ी में हमने देखा, सीजन 12 का हिस्सा आप रही हैं, और हाँ खतरनाक स्टंट आपने किए हैं वहां पर। तो अगर आपका कोई अपना कोई दोस्त आप खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा बनने वाला हो, तो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे इस शो को लेकर? टिप्स से पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप जब वापस आएंगे यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन, यू आर गोइंग टू बी सो कॉन्फिडेंट इन योर स्किन इन योर सेल्फ, आप इतना ज्यादा अपने बारे में डिस्कवर करेंगे जो शायद आप ऐसे नॉर्मली कभी कर ही नहीं पाते कि आप क्या क्या करने के केपेबल हैं, बिकॉज वहां पे जाके वो चीजें जो आपको कराते हैं आप अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकते एक्सपीरियंस। तो वहां जी से जब वापस आएंगे तो आपका आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपका खुद के अंदर का जो एक बिलीव होता है वो बहुत ही अदर लेवल होगा, जी और जो वहां की जर्नी रहेगी वो बहुत स्पेशल रहेगी। बस यही माइंडसेट करके जाना है आपको कि आप जा ही रहे खतरों के खेल में, आप जा ही रहे जहां पर आपको खतरों से खेलना होगा, जहां पे आपको आग से खेलना होगा, करंट से खेलना होगा, हाइट होगी, एनिमल्स होंगे, कीड़े मकौड़े होंगे, पानी होगा, तो सब चीजों का फियर आपको फेस करना है, यू गोइंग फॉर दैट ओनली। तो बस इतना माइंड सेट करके जाओ, बिकॉज मेरे केस में भी मुझे जो मेरा मेंटल स्ट्रेंथ था उसने बहुत हेल्प किया है, और मैं उन सबको जी यही टिप देना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा मत सोचना कि अरे मेरे अगेंस्ट तो वो लड़का है, ही सो स्ट्रॉन्ग, वो वर्कआउट करता है, जिम करता है। मैं कोई वर्कआउट नहीं करती थी, मैंने कुछ भी कभी भी नहीं किया, ना कोई पहले से ट्रेनिंग ली थी, बिकॉज मैं इतना लास्ट मोमेंट सिलेक्ट हुई थी। ओके तो बस आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप वहां से स्ट्रांग है देन ऑब्वियसली देयर इज नो लुकिंग बैक। ओके खतरों के खिलाड़ी से तो आप खतरनाक खिलाड़ी बनकर वापस आई हैं, और जो आपके स्टंट थी ना, वो ऐसे रहते थे कि हाँ ये क्या कर रही है जन्नत, कैसे कर रही है जन्नत। लेकिन अब सवाल एक और भी है, एक शो के लिए बार बार आपका नाम आता है, बिग बॉस के लिए। क्या आपके फैंस का सवाल है कि बिग बॉस में जन्नत जुबैर कब नजर आएंगी? देखिए मैं नजर उनको आ रही हूँ पिछले 2 सीजन से, ये सीजन भी मैं न्यू ईयर पे गई थी और बतौर इससे पहले कंटेस्टेंट भी मैं न्यू ईयर पे गई थी, तो उनकी जो दिली चाह है वो मैं पूरी कर देती हूँ, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, बट उनको दिख तो जाती हूँ शो में। बट जहां तक एज अ कंटेस्टेंट की बात है वो फिलहाल मुझे भी नहीं पता। आई लव द शो, मुझे शो देखना बहुत पसंद है लेकिन बाहर से, और जी फिलहाल मेरे ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है एज ऑफ नाउ टू गो ओके इनसाइड। जी ओके जनत, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं? क्या कुछ और नया आने वाला है? एक तो गाना आ गया है, कुछ आगे और जी भी हम गाने ही देखने वाले हैं, या कुछ और भी बड़ा आ रहा है? तो जहां तक कि गानों का सवाल है, गाने तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले गाने में और दूसरे में इतना बड़ा सबाटिकल हो गया था, वो नहीं होगा, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट दिस एज अ प्रॉपर करियर करियर, एंड नॉट जस्ट के चलो शौक में गा दिए और फिर देखेंगे कब ऐसा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू सॉन्ग्स, कि कौन सा अब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो दैट आई जी कैन रियश्योर कि जब एक्टिंग कर रही थी तो वहां पे इतना फोकस होके, इतना हार्डवर्क से इतने साल दिए कि वहां पर लोगों का प्यार मिले, और फिर अब लोग बोलते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया उस फील्ड में। फिर एक फेज था जहाँ पे मैं बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस कर रही थी, फिर वो मैंने रोक दिए काफी अच्छे वीडियोस करके,
उसके बाद नाउ आई थिंक जब ये सिंगिंग की बात है तो मैं इसको अपना पूरा फोकस और पूरा टाइम देना चाहती हूँ, है ना, ना कि जस्ट ये कि चलो ये गाना निकाल दिया फिर और मैं चार पांच चीजें करूंगी तो फिर इसमें फोकस नहीं कर पाऊंगी. सो फिलहाल मेरा प्राइमरी फोकस इज सिंगिंग. फैंस के लिए बस यही मैसेज कि थैंक यू सो मच, आप लोगों को बाबू सोना मोना इतना पसंद आ रहा है, आप लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और लोगों तक गाना पहुंचाने के लिए, और जितना सपोर्ट कर रहे हैं उतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू उसके लिए. एंड थैंक यू इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से टू देम, बिकॉज जो वो मेरे लिए कर रहे हैं दैट इज अ ह्यूज थिंग एंड आई कांट गिव एनीथिंग बैक इन रिटर्न टू देम. सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई लव यू. थैंक यू सो मच जन्नत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.